जाने नहीं देगा क्या? और ये हमारे राइडर, नाम कहिए सर, देख लेना है कुछ। और यहाँ पे स्नेक है एक, ये आप लोग समझते रहेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं अभी। तो ये एक सडन प्लान है और अभी हम जा रहे हैं चितलांग। एक्चुअली मैं जनकपुर जा रहा था और ये प्लान कैसे बना वो सारे मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी टाइम हो गया 4:30, तो मतलब समझ जाओ कि हम लेट कितने हो चुके हैं पहले से ही। और जड़ी बूटी में है अभी हम, और अभी पहले कोटेश्वर जाना है। और आज की राइड में बहुत सारे एक्साइटमेंट वाली बातें होने वाली है। जिस मॉर्निंग में जनकपुर निकलने वाला था उसी के रात में मुझे मिल गया मेरा ओल्ड स्कूल फ्रेंड, वो भी एक बाइकर है। उसने मुझे अपने रूम पे इनवाइट करा, तो मैं उसके रूम पे चला गया। और फिर वहाँ पे जब दो बाइकर मिलते हैं तो आप समझ ही जाओ बातें नहीं होती भाई साहब, वहाँ पे होती है राइड प्लान। और जबकि काफी दिनों बाद मिले थे हम, तो सोचा क्यों ना एक राइड प्लान कर ही जाए। तो अभी कोटेश्वर के जाम में हम रुके हैं। और एक्चुअली पीछे है मेरा दोस्त धर्मेंद्र, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो कि मेरी स्कूल फ्रेंड है। और आ गया धर्मेंद्र, कैमरा में हाथ हिला दीजिए सर, कैमरा में हाथ हिला दीजिए। यही है धर्मेंद्र काला कलौटा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तो गाइज अभी हम कोटेश्वर के जाम से निकल गए हैं और केक भी लेना है एक्चुअली, तो पहले जल्दी से केक लेने चलते हैं। और मुझे कैमरा शायद से ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि बारिश। और अभी तो आप यूज्ड टू हो गए होगे मेरे ब्लॉग देखते हो तो बारिश से। मैं जब भी निकलूँ तो बारिश होने बनती है, मैंडेटरी है भाई अपने ब्लॉग्स में बारिश। अभी हमें जाना है एक्चुअली बर्गर हाउस तीनकुने वाला, और लेंस पे पानी पड़ने की वजह से अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो। ओहो क्रॉस फायर। सो गाइज लेंस पे पानी पड़ने की वजह से कुछ आगे दिख नहीं रहा, तो अभी कैमरा ऑफ करके रख देते हैं, जब बारिश खत्म होगी तो फिर आपसे मिलूंगा। 2 hours later. सो गाइज पूरे काठमांडू जब हम कवर कर रहे थे तो पानी पड़ रहे थे, इसलिए कुछ शूट नहीं कर पाया। यहाँ पे हम थोड़े से छोटे से चाय ब्रेक लिए थे, उसके बाद यहाँ से निकल रहे। और अभी हम एक कृतिपुर टौदा दक्षिण काली नगर पालिका में प्रवेश कर चुके हैं, और सामने NS पे निकल चुकी है हमारी डिक्के दोस्त, इक्के साथ एक और दोस्त है जिनका नाम मैं अभी भूल गया, तो आपको आगे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अभी 5:43 हो गए हैं और हमने रास्ता शुरू भी नहीं किया, यहाँ से जाना शुरू होता है चितलांग, मतलब बहुत लंबा सफर करना बाकी है अभी, और रोड भी खराब होने वाली है। ओ भाई पूरा एकदम व्हाइट बादल छाए हुए है पहाड़ पे। ओके रोड तो खराब होने वाली है आगे, हम प्रिपेयर है इस बात से। मैंने ऐसा सुना है, मेरे एक दोस्त बता रहा था कि जो भी चितलांग जाता है वो एक ना एक बार तो गिरता ही है, इतना मतलब ऑफ रोड होने वाली है खतरनाक वाली, तो बने रहे आपको बहुत मजा आने वाला है शायद, मतलब हो सकता है। तो यहाँ से असली सफर शुरू होती है शायद से, मतलब राइट साइड में पूरा पहाड़ है और लेफ्ट साइड में अगर आप देख सकते हो ये कीर्तिपुर का सीन है, कितना बवाल लग रहा है यहाँ पे। थोड़ा हम लेट हो गए एक्चुअली, हमें जल्दी निकलना था, पर अननोन प्लान में ऐसे ही होते हैं, हम कुछ भी प्लान करके नहीं जा रहे हैं। जैसे मैंने आगे आपको बताया कि मैं जनकपुर जाने वाला था, और पिछले ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो मेंटल राइडर और मनीष दोस्त लूसीफर को लेकर जनकपुर पहुँच गए हैं, और अभी मैं यहाँ पे रह गया था एक्चुअली, मेरा कुछ काम था काठमांडू में, पर वो काम सारे शॉर्टेज हो गया और मैं निकलने वाला ही था जनकपुर। तो आगे आपको पता ही है मेरा स्कूल का ओल्ड फ्रेंड मिल गया, वो बोल रहे थे काफ़ी दिनों से कि हम राइड नहीं किए साथ में, चलो एक राइड करते हैं, तो हमने भी बोल दिया चलो भाई फिर राइड करते हैं। और आज हमारे एक अनुज दोस्त का बर्थडे भी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना बर्थडे भी वहीं मनाया जाए। पूरा जंगल है दोनों तरफ जंगल, और जंगल के बीचों बीच जा रहे हैं। ये रोड में राइड करने का मज़ा अलग है, पर यहाँ पे थोड़ा ऑफ रोडिंग होने वाली है, मतलब एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग। मैं वैसे गया नहीं हूँ, पहली बार है ये मेरा, और आपको पता ही है जो ठाँव पे मैं गया नहीं होता हूँ और कोई बोल दे कि चलो उस ठाँव पे, तो मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। नए नए चीज़ों एक्सप्लोर करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आई होप कि कैमरा का एंगल सही आ रहा होगा, ऑल्दो मैंने सुपर व्यू में डाल दिया है ताकि मेरे हाथ और सारे कैमरा का शॉट अच्छे आए। सो तो यहाँ से बांसबारी 1 किलोमीटर दूर है, और ये देखो लैंडस्लाइड की वजह से क्या हुआ है यहाँ पे।
देखिए ये लैंडस्लाइड हो गया है, तो ये रास्ता मतलब खतरनाक ही है। और जैसे कि आपको पता होगा अभी का सिचुएशन, पिछले 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है और न्यू वेदर रिपोर्ट के हिसाब से अभी 24 घंटा कंटिन्यू बारिश होने वाली है। तो वेट भी नहीं कर सकता था एक्चुअली बारिश खत्म होने का, क्योंकि आपको पता ही है मैं जाऊँ राइट पे तो बारिश होनी ही है। तो हमने सोचा चलो स्टार्ट ही करते फिर वेट किस बात की। पर ये रोड थोड़ा अनसेफ है अभी, तो अभी अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो अभी थोड़ी दिन वहीं आना, वही बेटर रहेगा। मज़ा बहुत आ रहा है मुझे ऐसे रोड, मतलब मैं हमेशा तलाश में रहता हूँ ऐसे ठाव की। मैं भटक रहा हूँ इन नज़ारों को देख के, राइट पे बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं हो पा रही है। ज़्यादा रात हो जाएगी तो शायद से मैं ज़्यादा चीज़ आपको दिखा नहीं पाऊँगा, पर जो यहाँ पे कहते हैं कि एक्सट्रीम ऑफ रोड है वो ज़रूर दिखानी है। और मैं भी चेक करना चाहता हूँ कि ऑफ रोड कैसी टाइप की है एकदम से, मज़ा आने वाली है आज। तो मंदिर आपको दिख रहा होगा शायद, यही दक्षिण काली का मंदिर है पता नहीं, पर जो भी है माता रक्षा करना हमारा। और अभी मुझे यहाँ पे रुकने का जी कर रहा है पर रुक नहीं सकता। और यहाँ पे आर्किटेक्चर देखो भाई, क्या कमाल की मंदिर बनाई है, पूरा गोल्डन लग रहा है। हालांकि वो गोल्डन होगी नहीं पर फिर भी काफ़ी सही लग रही है। और गाइज यहाँ पे जब आना तो अच्छे खासे मतलब अच्छे कपड़े पहन के आना, क्योंकि ठंड बहुत लग रही है अभी से, मुझे पता चल गया है ठंड के बारे में। और आई जस्ट होप कि माइक कैप्चर कर रही हो, क्योंकि वीडियो क्वालिटी का तो मुझे पता नहीं है कि कैसे आने वाली है। बारिश भी हो रही है और रात भी होने को है। रोड तो काफ़ी अच्छी है वैसे, अगर आप देख ही रहे हो काफ़ी अच्छे की मतलब समझ जाओ। और मुझे बार बार लेंस को साफ़ करना पड़ रहा है क्योंकि बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, इतना भी ज़्यादा नहीं हो रहा है कि हम ट्रैवल ही नहीं कर पाए, पर आगे सीन ख़राब होने वाली है जैसे हमें लगता है। रोड तो आप देख ही रहे हो अभी से, ओह ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी आराम से चलाना पड़ेगा। ओ भाई ये मैं कहाँ आ गया, हर मोड़ पे यहाँ पे अलग चीज़ें देखने को मिलती है। और ये शीशे के अंदर एक गॉड को प्रिजर्व करके रखा है, मतलब गॉड की तस्वीर जैसे है कुछ मूर्ति, क्या सही है यार। और यहाँ का सीन ही चेंज है, मतलब काठमांडू से ये बिल्कुल अलग लग रहा है। और ये है क्या बोलते हैं इसको, घोड़े यात्रा लाखे कहते हैं शायद से इनको। ओ भाई जाने नहीं देगा क्या, भाई मैं देखे से थैंक यू। तो ये लाखे हैं, ये मैंने टिकटॉक पे देखा था। और वो भाइयों यहाँ जाना हमें, आई होप कि हम अभी सही रोड पे जा रहे हैं, पूरा अपील है यहाँ से, एक नई कल्चर देखने को मिली हमें, काफ़ी मज़ा आया मुझे तो। और ये व्यू के लिए हमारे साथी लोग आगे रुका, ओ भाई सही सही, गोप्रो शायद कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, पर अगर आप देखते अभी इतना वाइट बादल है पहाड़ों पे, और पहाड़ों पे छोटे छोटे से घर भी है। और ये हमारे सारे दोस्त हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक एक करके। तो ये हमारे डीके बॉस जो गिर गया था अभी अभी बच गया, राकेश दोस्त है हमारा सबसे फनी गाय, और बर्थडे बॉय देख लीजिए इनको अनुज दोस्त, और ये हमारे नासिर दोस्त हैंडसम हंक, और ये हमारे राइडर, नाम कहिए सर। देखिए राइडर दोस्त की हालत अच्छी है अभी, चापस बेटे मौज कर दी। सो यहाँ पे हम रुके थे क्योंकि व्यू बहुत अच्छा था अभी, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्रेक मतलब एकदम छोटा सा 2 मिनट के लिए रुके थे सिर्फ। लगता है यहाँ से ऑफ रोड की सिलसिला जारी होने वाला है, मतलब हो ही गया। और पानी भी थोड़ी तेज हो गई है, तो शायद से मैं कैमरा ऑफ कर लूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि हम सारे चीज़ यहाँ के देखो, जितने अच्छे चीज़ आप देख रहे हो उतना बुरा चीज़ भी देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि आप ब्लॉग देख के आ जाओगे और बाद में मुझे गाली दोगे कि आपने ये तो दिखाया ही नहीं कि इतना ख़राब रोड है। मैं रिस्क ले के ये व्यू आपको दिखा रहा हूँ। वो घर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और बादल उस घर के बीचों बीच निकल रहा है, तो यहाँ पे एक फार्म हाउस होना चाहिए एक्चुअली।
इन चीजों पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते, राइड पे कंसंट्रेट करते हैं। तो अपने दोस्तों से आपको इंट्रोड्यूस करवा ही दिया हूँ और अपने बाइक से ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये है अपनी फ्रीकी और सामने चल रही है अपाची 164 भी, एक NS 200 आगे चला गया जो आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा। नेपाल इज द डेस्टिनेशन ब्रो, अगर आप कहीं बाहर से देख रहे हो तो एक बार नेपाल घूमने आओ, फिर आप समझोगे कि क्या चीज है नेपाल। बस ये रोड अगर अच्छी होती तो और भी बहुत बढ़िया होता। वो कहते हैं ना कि बैड रोड्स लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, ऐसे कुछ है कोटेशन, पर मुझे एक्चुअली पता नहीं। अगर आपको ट्रैवल बहुत ज़्यादा पसंद है और नए नए चीज़ें एक्सपीरियंस करना है तो नेपाल ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पे सभी को पता है कि ये मल्टी लैंग्वेज कंट्री है, मल्टी कल्चरल, और बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं शॉर्टकट में कहूँ तो ऑल इन वन है हमारा नेपाल। इतना अच्छा व्यू और इतना अच्छा रोड, मतलब समझ रहे हो। पर शायद रोड अच्छी होती तो इतना मजा नहीं आता। बादल है भाई, आगे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। जहाँ पे फूल होते हैं वहाँ पे कांटा होना जरूरी है, नहीं तो फूल की कीमत आप समझ नहीं पाओगे। आहा, अभी मजा आने वाले, अभी गाड़ी पिछलेंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो भी जाता है एक ना एक बार गिरता है, ऐसे मैंने सुना है मेरे दोस्तों से, तो आज वो भी टेस्ट हो जाएगा। और एक हमारा बंदा तो पहले ही गिर गया, DK बॉस। हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे, बस कह रहे हैं आपको, मतलब आराम से स्लो में गिरा था, वैसे हम फास्ट चला भी नहीं रहे, और ये रोड फास्ट चलाने लायक है भी नहीं। मैं ये खराब रोड को दिखाऊं या फिर ये ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाऊं, कॉम्बो है भाई, कॉम्बो है। मजा तो डेंजर आ रही है भाई, लाइफ का एक नया एक्सपीरियंस है चितलांग। ये वैसे हमारा प्लान काफी दिनों से बन रहा था, काफी महीनों से बन रहा है। एक बार नहीं, तीन तीन बार डिले हो चुका है, और इस बार फाइनली। स्पेशल थैंक्स टू आर्यन खान, क्योंकि वो, उनको पता है रोड के बारे में, और वो जा रहे हैं तो हमें काफी इजी होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जाने के बहुत सारे रोड है, इनके हिसाब से सबसे अच्छी रोड ये है, और अच्छी रोड की हालत आप देख रहे हो, समझ रहे हो, मतलब जो बाकी के रोड है वो कितनी बुरी है। वैसे रोड कोई बुरी नहीं होती, खराब है। ये लाइफ टाइम हमें याद रहने वाली है, इतने टफ रोड और इतने ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, उसके साथ ब्यूटीफुल मेमोरी कैप्चर करते हुए निकल रहे हम। और अगर आप लोग व्लॉग देख रहे हो और कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओ भाई, यहाँ पे बस भी चलता है क्या? और यहाँ पे मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, और यहाँ से थोड़ी व्यू एंजॉय कर लो, आप लोग आगे जाइए। अभी तो देखते हैं कौन सा ठावे, तो नहीं GoPro सही ले रहा है। हाँ, बहुत दिख ही नहीं रहा यार वो घर। चलो आगे दिखाएंगे, इससे भी अच्छे मोमेंट आएंगे। तो वहाँ पे करने वाले हम फायर कैंप रात में, तो काफी मजे आने वाले हैं। और हमारा प्लान है कि केक भी वहीं पे कट करेंगे अपने दोस्त की, काफी मजा आएगा। आप लोग बस बने रहो, वीडियो को देखो, एंजॉय करो। और गाइज, एडिटिंग में मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसे सफ़र पे लेके आते रहेंगे, और मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल टूर भी प्लान करके रखा है, जो कि अभी थोड़ा मतलब इतना जल्दी तो शायद से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर मेनी मोर टू कम, बहुत सारे चीज़ें आने वाले इस चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और ये क्या है भाई, यहाँ पे चढ़ के व्यू एंजॉय करें, पर जाने कहाँ से? ये नीचे घर है तो लैंडस्लाइड की बचाने के कारण से शायद वो रोड लगे हैं। मतलब ऐसे एरिया में रहना काफी मजेदार, साथ साथ डरावना भी है कि पता नहीं होता है कभी लैंडस्लाइड हो जाए, कभी क्या हो जाए। और ऐसे ऑफ रोड भी अगर हम नहीं पार कर पाए तो मनांग मुस्तांग जानिए, लद्दाख जानिए, वो कैसे कवर करेंगे। ये तो हमारे प्रैक्टिस हो गया, इस पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। नहीं, ऑफ रोड तो कैसे जाए, यहाँ तो जा ही नहीं सकते, यही रोड होगा। और वहाँ पे एक घर है बे, मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा यहाँ पे। वहाँ पे वो घर दिख रहा होगा छोटा से, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या है ये, कैसे वहाँ पे जाते कैसे होंगे लोग? हाँ, पर शांति बहुत होगी, पर डर भी है यार, जंगल है पूरा चारों तरफ, मेरा अंदर का शैतान जाग रहा है, पर उसको जगाना नहीं है, सो ला के रखते हैं, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ओहो, अभी हो जाता सीन, पर हमने कंट्रोल कर ली बहुत अच्छे से। कितना ऊपर आ गया, मतलब दो लाइन अर्ज करता हूँ, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, सैयद बॉस, चितलांग आओ एक बार, मजा आएगा आपको। और यहाँ पे आओगे तो आप कितना भी राइड कर लो थकोगे नहीं, मतलब अगर आप रियल ट्रैवल और नए नए चीजें को एक्सप्लोर करना जानते हो और एंजॉय करना जानते हो तो, क्योंकि हर एक मोड पे एक नया सीन आ रहा है, और हर मोड पे एक नया चुनौती भी है हमारे लिए, क्योंकि अभी रोड देख लो आप कितना खराब है।
मिनी लद्दाख कह सकते हो इसे। और हाँ गाइस, फर्स्ट एड किट जरूर अपने साथ में लाना। वैसे ये कहने की बात नहीं है, सारे लोग जो ट्रैवल करते हैं वो कैरी करते ही है, पर आप लोग अगर मतलब भूल रहे हो तो मैं याद दिला रहा हूँ कि जरूर लाना। ओ भाई भाई भाई, ओ भाई भाई, ब्लॉग में आने मतलब कैमरे साहे, बंदा कैमरा साहे, पर अपना स्किल सभी को दिखाना है। ये वाटर क्रॉसिंग लद्दाख का, मिनी लद्दाख का, हमारा लद्दाख का, बहुत खूबसूरत है भाई। मैं भटक जाऊंगा भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है ना, बार बार जी कर रहा है उन चीजों को देखूं और ये सारे चीज छोड़ दूं। और केक का एक अलग सा कहानी है, वो वहां पे जाके आपको बताऊंगा जब सारे दोस्त एक साथ बैठेंगे। हमें भूख भी बहुत लगी थी और उसी टाइम पे घटना घट गई। इसीलिए कहता हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और वाटर क्रॉसिंग फिर से लद्दाख। ओ भाई, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, क्या बच गया अभी। So guys, तभी कैमरा ऑफ हो गया था इसलिए कुछ शूट नहीं कर पाया, फिर अभी कैमरा ऑन कराए और गलती से हम गलत रोड में आ गए थे। पर एक लोकल से यहाँ से पूछा तो बोला कि यहाँ से जाके राइट लेना है कुछ, और यहाँ पे स्नेक है एक। सो गाइज, यहाँ पे जंगली जानवर भी हो सकते हैं तो हमें आराम से जाना है। और ये हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, एक्चुअली पता नहीं, हम रोड थोड़ा सा भटक गए हैं। और वहाँ पे सिर्फ 8 बजे तक एंट्री है। यहाँ पे काफी शांति महसूस हो रही है, पर ऑफ रोड ने हमारी जान मार रखी है, वरना तो सब ठीक है। ओ हो गाइज, सेट